नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6, बुक 1 का लास्ट चैप्टर है ये, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हम क्या क्या एप्लीकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी, वो देखेंगे हम इसमें। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कैलकुलस का कंटिन्यूएशन में है। तो इसमें देखो, इसमें हम बहुत कुछ देखेंगे। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, इस एप्लीकेशन को देखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो सिंपली आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स टाइप का होता है, ठीक है। कि जैसे इसने डी एस बाई डी टी दिया, ठीक है, तो आपका एस जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एस टू माइनस एस वन ओवर टी टू माइनस टी वन, ठीक है, ये सब होता है, राइट। अब ये चेंज इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये पर्टिकुलर मोमेंट पे होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, तो वो बहुत छोटा बन जाता है, वो डी एस बाई डी टी कह देते हैं, है ना। है वही है कि रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स है, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या बोलता है वो, वो कहता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है जी, पर सेकंड के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, व्हेन आर इज 5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू आर बोला उसने करने को, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी आर, तो पाई आर स्क्वायर की आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे दैट इज 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन अब डी बाई डी डी ए बाई डी आर उसने पर्टिकुलर मोमेंट में बोला है जब आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें आर को क्या डाल देंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसकी सब्सक्रिप्ट में आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे है व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डालते कितना आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा, ठीक है, 10 पाई। तो क्या बन गया, दस द एरिया ऑफ द सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, पर सेकंड। अब पर सेकंड देखो थोड़ी सी मिसलीडिंग है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसने एरिया के अंदर ही पर सेकंड डाल दिया, तो एरिया पर सेकंड ही चल रहा है शुरू से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर करा हमने। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको 1 सेंटीमीटर और लगाना चाहिए, किस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू आर करा, ठीक है जी। तो पर सेकंड तो एरिया के अंदर पहले ही है, तो ये 10 पाई आपका आंसर जो आया, इसमें यूनिट्स जो बनने चाहिए दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड पर सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे एस तब आता अगर मैं बाय डीटी करता, अगर बाय डीटी करता तो मैं बात आपकी मान जाता, लेकिन उसने विद रिस्पेक्ट टू आर दिया तो नीचे मेरा सेंटीमीटर ही आएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सिर्फ पर सेकंड तक अगर एरिया पर सेकंड चेंज बताना है तो इतना चल जाएगा, ठीक है। तो पर सेकंड इस जब आर 5 है तो एरिया पर सेकंड ऐसे चेंज हो रहा है, इतना चल जाएगा। सेकंड एग्जांपल, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 19 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकंड। देखो अब इसने आराम से दे रखा है क्या कि वॉल्यूम जो क्यूब का है उसका रेट क्या है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या दिया हुआ है कि डी वी बाई डी टी जो है दैट इज 9, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो आपको क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी निकालना है आपको, हाउ फास्ट इज द सर्फेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन ए इज इक्वल टू
10 सेंटीमीटर्स, जब एज जो है उसकी 10 सेंटीमीटर्स दी है। तो अब देखो गिवन से स्टार्ट करते हैं डी वी बाई डी टी। वी क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। इसने क्या किया, डी वी बाई डी टी को 9 ले लिया, देखो ठीक है। अब ए की जगह इसने एक्स ले ली एच, तो एक्स मान लेते हैं एच को, कोई बात नहीं। तो डी एक्स क्यूब वॉल्यूम होता है मेरा, तो आपने डी टी से करना है उसको डिफरेंशिएट। अब तो 3x² तो आप कर दोगे, फिर चेन रूल से डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। अब ये मुझे 9 के बराबर दिया हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर मैं सरफेस एरिया निकालूँ, इसने एस लिया हुआ है, हम जो ए बोल रहे थे, तो डी ए बाई डी टी इज़ वॉट, एरिया कितना है, एरिया 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है जी। अब ये क्या हो गया, इसको डी बाई डी टी करना है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, 12a डी ए बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी जिसे कह सकते हैं, ठीक है जी। अब a इज इक्वल टू एक्स है, ये a ले रहा है, इसको आप a क्यूब से रिप्लेस करो तो पता चल जाएगा। तो ये डी ए बाई डी टी बेसिकली ये डी एक्स बाई डी टी ही है, तो इसकी वैल्यू उठा के इधर डाल देते तो 9/3x² आ जाएगी। ये 3x² इधर कर देंगे हम, तो ये 3 से कट जाएगा, 3/x², तो 3/x² आप यहाँ डाल दो, यानी 3/a² आप यहाँ डाल दो, तो बस a से a कट गया, 36/a आ गया। अब क्या है, ये डी ए बाई डी टी जनरल है, लेकिन हमें किस पे चाहिए, हमें तो व्हेन a इज इक्वल टू 10 चाहिए, तो a की वैल्यू 10 डाल दो, 3.6, ठीक है जी। अब यूनिट कैसे आएंगे, ऊपर एरिया के नीचे टाइम के, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा रेट ऑफ चेंज है एरिया का, जब मेरा ए जो है 10 सेंटीमीटर। अगली है जी एग्जाम्पल 3। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एक स्टोन जो है वो ड्रॉप किया गया है एक क्वाइट लेक में, एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेव्स कैसे मूव कर रही हैं, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस जब r इज इक्वल टू 10 है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो फिर से आपको डी ए बाई डी टी निकालना है, हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग कब निकालना है, जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो अब ये क्या है, देखो कि सर्कल में जब आप पत्थर मारोगे तो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में वेव्स चलेंगी, एक इंस्टेंट पे ये सर्कल होगा रेडियस, एक दूसरे इंस्टेंट पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, ऐसे बढ़ती रहती है ना वेव्स, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो क्या चीज़ है, कि उसका रेडियस किस हिसाब से बढ़ रहा है, यही बोल रहा है ना वो, द वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब कि रेडियस डी आर बाई डी टी जो है, यूनिट से भी पता चल जाता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी जो है दैट इज 4, ये मुझे गिवन है। अब निकालना क्या है मुझे, डी ए बाई डी टी जब आर इज इक्वल टू 10 है, तो ए क्या होता है सर्कल का, πr², तो डी ए बाई डी टी निकालना है, πr², ये 2πr बन जाएगा, डी आर बाई डी टी चेन रूल, ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r नहीं है, इस टाइम डी टी है, तो डी आर बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू 4 डाल दो आप, ठीक है जी, आपका काम हो गया, वैल्यू 4 डालते ही 80π आपका आंसर आ गया। अब यूनिट्स क्या लगेंगे, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 4। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसमें एक नोटेशन है, और नोटेशन क्या है कि जब आपकी इंक्रीज होती है कोई चीज़ तो हम पॉजिटिव लेते हैं उसका रेट, और जब डिक्रीज करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जी। तो लेंथ उसने डी एक्स बाई डी टी जो दिया है वो 3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी देखो हम -3 सेंटीमीटर पर मिनट लेंगे। एंड विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग, अब इंक्रीज कर रही है एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया जी, +2, क्योंकि ये इंक्रीज कर रही है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेक्टेंगल बनेगी, जब एक्स जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा और वाई जो होगा 6 सेंटीमीटर होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। तो ठीक है,
अब आप इसको सिर्फ एक डायग्राम से अगर समझेंगे तो dx बाई डी टी ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, माइनस थ्री है। डी वाई बाई डी टी मेरा इंक्रीज कर रहा है, टू है। और पर्टिकुलर मूवमेंट जब लेंथ मेरी 10 होगी और विड्थ मेरी 6 होगी तो मुझे एरिया और पैरामीटर दोनों निकालने हैं कि वो उनका रेट क्या है चेंज होने का। ठीक है जी, पैरामीटर सिंपल है, क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू 2x, लेकिन x जो है अब t से करना है तो 2 बाहर आ गया कॉमन, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। अब इन दोनों की वैल्यू तो है मेरे पास यहाँ, माइनस 3 और 2 डाल दो तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो डिक्रीज करेगा पेरीमीटर। एरिया क्या होगा जी, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, यू वी रूल लग जाएगा, लेकिन दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू टी करने हैं, डी ए बाई डी टी करना है, तो डी एक्स बाई डी टी फर्स्ट का करा, वाई एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज सेकेंड का कर दिया, डी वाई बाई डी टी। अब इनकी वैल्यूज यहाँ से उठा के डाल दीजिए आप, डी एक्स बाई डी टी क्या है, -3 है, वाई कितना है जी आपका 6 है, प्लस एक्स कितना है 10 है, और डी वाई बाई डी टी क्या है जी 2 है, -18 प्लस 20 यानी कि +2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये एरिया डी ए बाई डी टी आपका आ गया जो इंक्रीज कर रहा है इस रेट पे। एग्जाम्पल 5 अगली देखो, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है जी, ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, तो टोटल कॉस्ट है सी एक्स मेरी और एक्स यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसके साथ कॉस्ट जुड़ी हुई है फंक्शन में उसी के हिसाब से। ठीक है, तो सी एक्स जो है उसने दी हुई है इस फंक्शन से। ठीक है जी, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट वगैरह, मार्जिनल कॉस्ट निकालो व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो एक्स इज इक्वल टू 3 पे निकालनी है मुझे, वेयर बाय डिफाइन कर रहा है देखो वो, मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट की आउटपुट के साथ जो चेंज होगी। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब हो गया, मुझे डी सी बाय डी एक्स निकालना है, और कब निकालना है, जब एक्स इज इक्वल टू 3 है, 3 यूनिट्स बोली ना उसने, तो बस खत्म। ये तो डी सी बाई डी एक्स कर दो आप आराम से, ये देखो डी सी बाई डी एक्स कर दिया, मार्जिनल कॉस्ट ये निकल आई आपकी डिफ्रेंशिएट करके, बस अब एक्स को क्या डालना है, 3 डाल देना, एक्स की जगह 3 डाल दिया, कैलकुलेट करो, ₹30.02 राउंड ऑफ किया इसने, नियरली लिख दिया, अच्छा ये निकला एग्जैक्ट, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया रुपीज़, क्योंकि दो ही डेसिमल प्लेसेस में आने चाहिए, क्योंकि पैसे जो होते हैं 99 तक ही होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये आंसर बन जाएगा मार्जिनल कॉस्ट का जो उसने हमसे मांगा था। एग्जाम्पल 6, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो सेल ऑफ एक्स यूनिट्स कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना है जी, आर एक्स इस फंक्शन से दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स जो है वो एक्स यूनिट्स की सेल है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, ऊपर जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जब एक्स इज इक्वल टू 5 है तब फाइंड करना हमने, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जी। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो एम आर है इसका, देखो नीचे, इट इज इक्वल टू डी आर बाय डी एक्स। ठीक है, ये निकल गया, आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया आर एक्स को, बस उसमें एक्स को 5 डाल दो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 5 पे उसने मांगा मार्जिनल रेवेन्यू, तो 5 डालते ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू बन जाएगा जो रुपीज लगा के हम लिख देंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या मांग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, व्हेन दोनों पार्ट अलग अलग है, मैं एक कर देता हूँ, ये एक आपका आराम से हो जाएगा, तो ए कर रहा हूँ मैं, तो डी ए ओवर डी आर इज इक्वल टू डी ओवर डी आर, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है,
कितना बन जाएगा जी ये 2πr। अब निकालना कब है मुझे, जब r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो कितना आ गया। अच्छा इसको यहाँ पे काम करते हैं, इसको यहाँ नहीं लिख के चलो कहीं भी लिख लो कोई फर्क नहीं, 3 6π सेंटीमीटर स्क्वायर पर, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू आर है तो सेकंड नहीं आएगा, ये भी सेंटीमीटर ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर एरिया है नीचे रेडियस है। बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, सेम ऐसे ही आर इज इक्वल टू 4 डालना बस, होमवर्क भी क्या रहेगा डाल लो 4। कितना आ गया जी 8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, बी हो गया ये। सेकेंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 cm³ पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड के हिसाब से, तो dv बाई डी टी कितना हो गया 8 cm³ पर सेकेंड, ठीक है 8 ले सकते हैं खाली से, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मैंने नॉर्मली लिख के दिखा दिया। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया जो है वो हाउ फास्ट इट इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज ए इज इक्वल टू 12 cm, ठीक है तो ये मुझे निकालना है। तो डी वी बाई डी टी मुझे अगर दिया गया है तो इसका मतलब एरिया क्या होता है ए क्यूब, तो डी वी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब इज 8 cm, तो 3a² डी ए बाई डी टी इज 8, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई जी 8/3a². इस वैल्यू को मैं यहाँ यूज करूँगा और इस साइड डी एस बाई डी टी इज 6a², सरफेस एरिया क्यूब का डी टी कितना बन गया जी ये 12a डी ए बाई डी टी चेन रूल्स है। अब आपको वैल्यू डालनी है इसमें 12, कितना आ गया 12 × 12, अच्छा डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या डलेगी इट इज 8/3a², तो एक काम करते हैं लास्ट में ही डाल लेंगे, 12 को भी नहीं डालते अभी, 12a डी ए बाई डी टी को डाल लेता हूँ मैं, ठीक है यहाँ डल गया ये। तो क्या हो गया ये मेरा a से a कैंसल आउट हो गया एक पावर, तो बच गया 12 × 8/3, अब 12 डाल दो, अब जो डी एस बाई डी टी है वो मैं a इज इक्वल टू 12 पे निकाल रहा हूँ, तो 3 × अच्छा 12 से 12 भी काट दो, 3 क्या काटना, तो ये मेरी कितनी आ गई जी ये मेरी आ गई 8/3। अब क्या है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर एरिया है नीचे सेकंड, यहाँ से आराम से आती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो डी एस बाई डी टी जो उसने मेरी ए इज इक्वल टू 12 पे मांगी थी राइट, वो मेरी क्या है जी 8/3 cm² पर सेकेंड, दिस इज माई आंसर। अगला है जी थर्ड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 3 cm/s, तो डी आर बाय डी टी क्या है मेरे पास 3 cm/s, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज 10 cm, तो किसका रेट निकालना है मुझे एरिया का, यानी कि मुझे डी ए बाई डी टी निकालना है जब मेरा आर इज इक्वल टू 10 cm, तो डी आर बाई डी टी मुझे गिवन है तो इसमें तो मुझे लेफ्ट में कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एरिया ही निकाल देता हूँ मैं सीधा, एरिया इज सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ओवर डी टी कितना आ गया 2πr डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू तो मेरे को पता है, ठीक है अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2πr इज 10 एंड
डी आर बाई डी टी इज 3। आंसर कितना हो गया मेरा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगला है जी फोर्थ क्वेश्चन। एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब उसने क्या कर दिया, एज को ही बढ़ा दिया, तो डी ए बाई डी टी उसने 3 ले लिया। अच्छा इन क्वेश्चन में आप करना, हम स्टैंडर्ड को ही लेते जा रहा हूँ मैं, तो आप लोग इसको एक बार डिफाइन कर देना। लेट ए बी एज ऑफ क्यूब, क्योंकि कोई भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड इज ओके, बट आप इसमें अगर कुछ भी इंट्रोड्यूस करो वेरिएबल तो उसको इंट्रोड्यूस जरूर कर देना। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वॉल्यूम कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, व्हेन ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो ये अब ये तो सीधे डी ए बाई डी टी को यूज ही करना है। वॉल्यूम कितना हुआ आपका, डी ए क्यूब आ जाएगा बाई डी टी जब हम करेंगे, तो ये 3a² डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो अब वैल्यूज डाल दो इसमें, या डी ए बाई डी टी, चलो ठीक है डाल देते हैं, डायरेक्ट ही डाल रहा हूँ। ए की जगह 10 का स्क्वायर, डी ए बाई डी टी कितना है 3 है, तो कितना आ गया 900 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम टाइम पर सेकेंड। तो आंसर इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में किया था हमने, ठीक है, कि क्वाइट लेक है तो वेव जो बनेगी वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के टाइप की बनेगी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, रेडियस है, ठीक है जी। तो डी आर बाई डी टी जो यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो मुझे क्या निकालना है, डी ए बाय डी टी निकालना है मुझे, जब मेरा क्या है रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर, राइट। तो बस ये तो सिंपल है, यहाँ ए की जगह पाई आर स्क्वायर ही डालना है मुझे, एरिया कितना हो गया 2 पाई आर। अब ये डी टी से हो रहा है तो डी आर बाय डी टी, तो 2 पाई को ऐसे रहने देते हैं, आर मेरा कितना लेना 8 लेना, डी आर बाई डी टी यहाँ से 5, कितना हो गया जी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पे उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है। अगला है जी सिक्स्थ क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ इंक्रीज निकालना, ठीक है। अब उसने कुछ भी नहीं दिया कि पर्टिकुलर किस मूवमेंट पे निकालना है, तो डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है जी अपना, 2 पाई आर डी टी, कितना आ जाएगा ये 2 पाई dr/dt, सीधा dr/dt की वैल्यू डाल देते हैं, 0.7 दी हुई है हमें, तो कितना आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर यहाँ ऊपर से सेकेंड नीचे से, ये यूनिट्स ऐसे बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी सेवेंथ क्वेश्चन। द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, रेक्टेंगल ले लेते हैं, लेंथ कितने से उसकी डिक्रीज कर रही है, डी एक्स बाय डी टी माइनस 5 सेंटीमीटर पर मिनट है,
एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो विड्थ वाई है उसका इंक्रीजिंग का रेट क्या है जी, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इंक्रीजिंग का रेट है विड्थ वाई. When x is equal to 8 and y is equal to 6, x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rates of changes or change of पहले पैरामीटर a part, area of rectangle b part. तो पैरामीटर जो a part है वो आपका क्या होगा जी, पैरामीटर is equal to 2 into x plus y, तो dp by dt से रेट निकलेगा. कब निकालना है मुझे, चलो इसको कब निकालने वाले को देखो बाद में, dp by dt का जनरल निकाल लो, यहाँ 2 dx by dt प्लस dy by dt. अब क्या करेंगे हम dp by dt कब निकालना हमने, यह जब मेरा x is equal to 8 है और y इज इक्वल टू 6 है उस मोमेंट पे निकालना. तो इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि dx एक्स बाई डी टी इज माइनस फाइव और dy वाई बाई डी टी इज 4, तो माइनस वन आ गया, तो माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पैरीमीटर के यूनिट्स पर सेकेंड. तो ये तो मेरा a पार्ट हो गया. b पार्ट यहाँ कर देते हैं. अब एरिया क्या है मेरा, एरिया इज x इंटू वाई, तो डी ए बाई डी टी इज पहले x की करेंगे, फर्स्ट फंक्शन की यूवी रूल लगाएंगे, तो डी एक्स बाई डी टी वाई प्लस एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी टी. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एक लाइन है इधर वैल्यू डाल लेते हैं, डी ए बाई डी टी जब x आपका 8 है और y आपका 6 है, कितना डाला जी, dx by dt कितना है माइनस फाइव, y कितना है 6, x कितना है 8 और dy by dt कितना है आपका 4, तो कितना आ गया माइनस 30 और 32, यानी कि प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एरिया का चेंज निकालना है विद टाइम. अगला है जी 8th क्वेश्चन. अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड. तो ये वॉल्यूम के यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब है कि डी वी बाई डी टी कितना है आपका 900. फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, रेट निकालना है एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. तो क्या निकालना है मुझे, मुझे डी आर बाय डी टी निकालना है जब आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. तो डी वी बाय डी टी हम करेंगे, तो इसमें हम रेडियस आर ले चुके हैं स्फीयर का, तो क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, तो वो डाल देंगे इसमें. तो आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, 4/3 πr³ इज इक्वल टू 900 तो चले गई साथ में. अब इसकी करो डिफ्रेंसीशन, तो 4/3 π 3r² r³ की और चेन रूल से dr/dt इज इक्वल टू 900. तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है हमने इस साइड से, तो डी आर बाई डी टी इज ये 3 कैंसल आउट कर दो, 900 ओवर 4π r² ठीक है, 4 से 900 कट जाएगा, बाद में काट लेना, देख लेंगे जैसे भी कटेगा. तो ये मेरी डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई जिसको मैं आगे जाके यूज़ करूँ. तो अब मुझे जो डी आर बाई डी टी है वो आर इज इक्वल टू 15 में निकालनी, तो सीधा सीधा ही करना है, तो इसी को ही निकाल दो, बस आगे कंटिन्यू कर दो. डी आर बाई डी टी एन आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो 900 4π
आर स्क्वायर इज 15 इंटू 15, तो कितना हो गया ये 15, 6 90, 60, 15 इंटू 460 पूरा कट गया, तो ये मेरा बच गया जी 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो रेट निकालना है जिस पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, विद द रेडियस व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, अब इसने वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस दे दिया है, यह वर्ड इसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो अब हमें जो है डी वी बाई डी टी नहीं निकालना है, अब हमें डी वी बाई डी आर निकालना है। ठीक है, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, इसी के कारण ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा सकते हो कि ये डिफरेंट है। 8th क्वेश्चन भी ऐसे था लेकिन उसमें विद द रेडियस नहीं था, तो इन थोड़ी सी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, तो क्या बनेगी बात, देखो कि हमें डी वी बाय डी आर निकालना है व्हेन लेटर, मतलब रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम डाल दो, तो इट इज डी ऑफ 4/3 πr³ ओवर डी आर, क्या बना जी 4/3 π 3r² डी आर। अच्छा ये डी आर बाई डी टी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डी आर से कर रहे हैं तो आर से आर चला जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर पे निकाल लेते हैं हम डी वी बाई डी आर, आर इज इक्वल टू 10, कितना बन गया जी 4/3 π 3 10 इंटू 10, तो 3 से 3 चला गया, तो 400 π cm³/cm हो जाएगा, क्योंकि नीचे रेडियस है। अगला क्वेश्चन है जी 10th क्वेश्चन, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 cm/s, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि मेरे पास एक लैडर है वो वॉल पे लगी हुई है, ठीक है, ऐसे तो ये वॉल है ऑब्वियसली मेरी, दिस इज वॉल, ठीक है, ये मेरी लैडर, अब वो कहता है कि ये जो लैडर है इसको सरकाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, खींचा जा रहा है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये लैडर को सपोज यहाँ तक खींच लिया, ठीक है, अब क्या होगा, ये लैडर कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट, अब वो कह रहा है कि आपको निकालना है कि किस स्पीड पे, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो वो जो यहाँ थी हाइट यहाँ से यहाँ कित आ गई है उसका आपको रेट निकालना है, ठीक है, कब निकालना है, व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब फुट है लैडर का वो 4 मीटर अवे हो जाए वॉल से, तो फुट देखो ये है लैडर का, ठीक है, पहले यहाँ था, तो सपोज पहले क्या था कि 5 मीटर लॉन्ग लैडर है, तो 5 मीटर अगर लॉन्ग लैडर है तो ये 5 मीटर रहेगा, जब आप खींच लोगे इसको तो भी ये 5 मीटर लॉन्ग ही रहेगी लैडर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पहले अगर हाइट जो थी वो मेरी कितनी थी, हाइट मैं मान लेता हूँ कि मेरी h थी और विड्थ थी जो मेरी वो x थी, ठीक है जी, तो अब इसमें मेरा क्या था कि h² + x² = 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस,
राइट। अब वो क्या बोलता है कि किस रेट पे खींची जा रही है बॉटम जो है, dx बाई डी टी जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 2 ले लो, ठीक है, dx बाई डी टी इज 2। अब आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, किससे कर रहे हैं हम, रेट निकालना है ना हमने, हाँ तो टी से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी रेट है, मैंने टी से ही लिया, देखो यहाँ पे, तो ये आएगा 2h dh/dt चेन रूल से प्लस 2x dx/dt, 5 का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो अब जिस मोमेंट पे मेरा h, देखो चलो अब क्या क्या निकाल सकते हैं हम इसमें, एक बात समझो, जब x मेरा 4 होगा, अब x मेरा 4 कब होगा, x मेरा 4 अब है, ठीक है जी, क्योंकि उसने बोला ना कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे, तो 4 मीटर अवे है। अब आप देखो आपको ऊपर 5 मिल गया, तो पाइथागोरस से ये चीज कितनी आ गई, 3 आ गई ना, ठीक है, तो मेरी ये चीज 3 आ गई। अब क्या होगा, h की वैल्यू अब नहीं जो है, जब जब मेरा x जब मेरा 4 है तो h मेरा 3 है ना, तब ये मेरा पाइथागोरस से निकल के आ गया। अब देखो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ ये सारी यहाँ पे, तो 2h कितना है, 3 हो गया, dh/dt मुझे निकालना है, प्लस 2x कितना है जी, 4 है इस मोमेंट पे, और dx/dt का रेट मेरा 2 है, इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया आपका 2 × 4, 4 × 4 = 16, ठीक है, तो dh/dt इज -16 उधर चला जाएगा और ये over 6 आ जाएगा, तो 2 3 2 8, -8/3, तो -8/3 से नेगेटिव से हमें पता चला कि हाइट रिड्यूस हो रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, क्योंकि उसने ऑलरेडी आंसर में क्या बोला है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ऑलरेडी डिक्रीजिंग उसने बोल दिया, तो -8/3 भी वही चीज़ बोल रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अकेला 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने ऑलरेडी डिक्रीजिंग बोल दिया, तो डिक्रीजिंग वर्ड अगर ना लगाता तो हम लिखते हैं नेगेटिव के साथ, अदरवाइज डिक्रीजिंग वर्ड लगा के पॉजिटिव डाल सकते हैं। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो आप, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है जी 11th क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व दिया हुआ है हमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एच एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कर्व हमें दिया है और एक कंडीशन दिया है कि वाई कोऑर्डिनेट जो चेंज कर रहा है वो कैसे कर रहा है, 8 टाइम्स कर रहा है एज फास्ट एज एक्स कोऑर्डिनेट, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी तेजी से एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये लिखने का तरीका है, देखो ये आपको क्या सिखा रहा है कि बेसिकली जो चेंज इन वाई है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स dy/dx वो 8 है, ठीक है। अब आपको पार्टिकल जो दे रखा है उसका कर्व ये दे रखा है, आपको क्या ढूंढना है, आपको ऐसा ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं कर्व पे जहां पे dy/dx 8 है, तो हम इसका निकाल लेते हैं dy/dx, तो ये कितना आ जाएगा जी, 6 dy/dx इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, तो 0 हो जाएगा। अब आप इसको 6 को उधर ले जा सकते हो, तो dy/dx इज 3/6 यानी 1/2 x² टाइप का आ जाएगा, और dy/dx कितना है, 8 है इसकी वैल्यू, तो मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, तो 8 × 2 ही आ जाएगा वापस से, फिर से x², x कितना आ गया जी, ±4 आ गया, ठीक है। तो 2 केसेस बन गए मेरे, पहला केस इज एक्स इज इक्वल टू 4 बन गया और एक एक्स इज इक्वल टू -4 बन गया, ठीक है। अब इस कर्व में क्योंकि निकालना तो क्या है मुझे, मुझे पॉइंट निकालना है, तो मैं इस कर्व में डाल देता हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मेरे पास आ ही गई, तो कर्व में वाई की वैल्यू क्या है, x³ + 2/6
यहाँ पे भी आप क्या आ जाएगी, और y इज इक्वल टू माइनस फोर का क्यूब प्लस टू ओवर सिक्स, तो ये आगे 64 प्लस 2 66, यानी y इज इक्वल टू 11, यानी 4,11 मेरा एक पॉइंट आ गया, ठीक है जी। और मेरा दूसरा पॉइंट क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस फोर, ये माइनस 64 प्लस 2 इज माइनस 62 बाय 6, 2, 3, 2, 3, 2, 1, -31/3, ये आ गया -4, -31/3। तो ये दो सॉल्यूशंस मेरे, और नहीं एंड ही आएगा ये, तो दोनों वैल्यूज ले सकता है, तो ये दोनों मेरे आंसर हैं, ये पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है जी 12th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी आर बाई डी टी दे दिया उसने हमें हाफ। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। एयर बबल है, स्फीयर मान लेते हैं हम इसे, तो डी वी बाई डी टी निकालनी है, डी रेट ही निकालना है मुझे, डी वी बाई डी टी निकालनी है जब मेरा रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 4/3 πr³, तो डी बाई डी टी ऑफ 4/3 πr³, ये कितना हो गया 4/3 π³ डी आर बाई डी टी। अब इसकी वैल्यू हाफ है हमें पता है। अच्छा, आर की वैल्यू आपने क्या डालनी है, आर 1 डालना है, ये भी यहाँ डाल रहा हूँ मैं और ये भी यहीं डाल रहा हूँ, तो 1² ÷ ½, तो ये 3 से 3 गया, ये 2 से 2 चला गया, तो कितना आ गया रेट, क्या आ गया 2 π cm³/s, तो ये मेरा डी वी बाई डी टी रेट आ गया चेंज का वॉल्यूम। नेक्स्ट है जी 14th क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm³/s, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के यूनिट्स है, तो डी वी बाई डी टी है सैंड के गिरने की, किस वॉल्यूम रेट ऑफ दिया हुआ है आपका वॉल्यूम का 12। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, तो जो मेरा कोन बनेगा, ठीक है जी, हीप जो कोन की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, तो हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस की, ठीक है। तो इसको दो तरीके से मैं ले सकता हूँ, अगर इसको h लूंगा तो ये 6h हो जाएगा रेडियस, अगर इसको r लूंगा तो ये r/6 हो जाएगा, तो दोनों में देखते हैं कौन सा केस लेना, आगे बढ़ के देख लेते हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, तो मुझे dh/dt निकालना है, ये बात तो मुझे सीधी सी दिख रही है, ठीक है। वेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जब मेरी हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो h ही ले लेते हैं हाइट को, तभी निकाल पाएंगे, तो फिर रेडियस 6h हो जाएगी, क्योंकि क्या लिखा था कि हाइट ऑफ द कोन इज 1/6, तो रेडियस 6 टाइम्स हो जाएगी, तो उस टाइप से लगा लिया हमने। अब क्या रह गया इसमें, हाइट निकालनी है मुझे dh/dt, ठीक है जी, और ये जो वॉल्यूम है dv/dt, ये एक पाइप से गिर रहा है, तो वॉल्यूम देखो दोनों का बराबर रहेगा, क्योंकि पाइप से हीप में बन रहा है, सेम वॉल्यूम जो ऊपर से आ रहा है वही नीचे आ रहा है, पर सेकंड का वही अचीव हो रहा है नीचे भी, तो इसका मतलब मैं इसमें डायरेक्ट कौन सा वॉल्यूम डाल सकता हूँ जी, कोन का वॉल्यूम, दैट इज 1/3 πr²h/dt, ये क्या बन जाएगा, अब आर की जगह आप 6h डाल सकते हो, तो d/dt 1/3 π 6h² h, तो ये क्या बन गया जी, d/dt
वन बाय थ्री पाई 36 एच क्यूब, 12 से कट गया ये, तो 12 पाई बाहर आ गया, डॉट 3h का स्क्वायर dh बाय dt। तो वैल्यूज़ डाल देते हैं, 12 पाई, अच्छा dv बाय dt कितना है, ये 12 है, ये dv बाय dt है ना, क्योंकि दिस इज 12 इज इक्वल टू 12 पाई, 3h इज व्हाट, 4 डालनी है मुझे, क्योंकि 4 पे निकालनी है dh बाय dt, और dh बाय dt चाहिए मुझे, तो वो तो एज इट इज़। तो 12 से 12 गया, 1 आ गया इधर, तो यहाँ पे 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, तो डी एच बाई डी टी आ गया जी मेरा 1 बाय 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि हाइट के यूनिट्स लगेंगे इसमें। नेक्स्ट है जी 15th क्वेश्चन। The total cost CX in rupees associated with the production of X units of an item, ठीक है जी, CX total cost है मेरी, X जो है मेरा units है production के, ठीक है, CX का ये दिया हुआ आपको, find the marginal cost when 17 units are produced। तो marginal cost क्या होती है इसमें, वही example में देखा था हमने कि DC by DX जो होती है that is मार्जिनल कॉस्ट, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू जो यूनिट्स है वेरी जो करती है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें हम सिंपल डीसी बाय डीएक्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 0.007 3x स्क्वायर माइनस 0.003 2x, ये डॉट है, प्लस 15, ठीक है। अब ये निकालनी कब है, जब x इज इक्वल टू 17 यूनिट्स है, एक्स इज इक्वल टू 17, तो ये कितनी आ जाएगी, 0.007 डॉट 17 का स्क्वायर, ओके, माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15, तो ये आपका कितना बनेगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.069, माइनस इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो आएगा 0.102 प्लस 15, ये टोटल आपका बन के आ जाएगा फाइनल आंसर 20.967, और ये किस में यूनिट्स होंगे, रुपीस में, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है ना हमने, सो दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 भी ऐसा सही है, सॉरी, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, रिसीव टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये भी वही होता है कि टोटल रेवेन्यू को एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा था बाय विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर दें तो दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू MR, ठीक है, और ये कब है, x इज इक्वल टू 7 पे निकालना है, तो बस इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 26x प्लस 26, तो 26 कॉमन लेके x प्लस 1 भी कर सकते हैं, 7 प्लस 1 8, तो 26 इंटू 8 कितना हो गया जी, 20 इंटू 8 140, 140 प्लस 48 इज 160 प्लस 48 इज 208, तो रुपीज 208 जो है दैट इज माय मार्जिनल रेवेन्यू। 17th क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस एट r इज इक्वल टू 6, तो विद रिस्पेक्ट टू डी ए बाई डी आर निकालना है, ठीक है जी, आर इज इक्वल टू 6 है जब, तो डी ऑफ डी आर पाई आर स्क्वायर, सिंपल एरिया की, तो ये कितनी होगी जी, 2 पाई आर, आर की जगह क्या डाल दें, 6, तो 12 पाई आ गया सीधा सीधा आंसर 17th का। नेक्स्ट 18th,
ये भी जो पहले किया था अभी उसके जैसे ही है, 16th जो किया था। टोटल रेवेन्यू निकालना है, नहीं टोटल रेवेन्यू जो है एक्स यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है हमें, हमने मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो बस डिफ्रेंसिएशन करनी है इसकी, 6x+36, और एक्स कितना लेना है 15, ठीक है। 15 6 कितना हो गया 90, 90+36 इज 126, तो डी इज़ माई आंसर।